अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से हम लोग भी खैरियत से हैं। तो ये हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं क्लीनिंग रूटीन। तो ये किचन की जो है सफाई की, गैस चूल्हे की और बर्तनों की, सारे नाश्ते की। तो चलिए मैं आप लोग को ये वीडियो दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो है हम किचन साफ करने जा रहे हैं। तो ये बर्तन वगैरह जिसमें सब्जी वगैरह बनी थी, तो ये हम उसको भी निकाल लेते हैं और बर्तन क्लीन कर लेते हैं। तो इसमें जो है दूध था, इसको भी हम खाली करके धो लेंगे। अभी थोड़ा दूध है, एक लीटर के करीब। तो इसको जो है भी हम साइड में कर देते हैं। तो चलिए इसको भी सब हम निकाल लेते हैं। तो ये सब हमने निकाल लिया है। तो चलिए जो है गैस को पहले तो हम ऐसे झाड़ लेते हैं कपड़े से, ये देखिए। फिर इसके आगे पीछे जो भी रहता है उसको जो है हम गैस उठा के भी नीचे झाड़ लेते हैं, ये देखिए। इधर भी साइड में भी जो है क्लीन कर लेते हैं और इधर भी जो है सब क्लीन करते हैं। तो चलिए फिर हम गैस को साफ करना शुरू करते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं, गैस को अब जो है क्लीन कर देते हैं। तो ये रोज की रूटीन है, कोई नई चीज़ नहीं है, डेली ये सब करना पड़ता है सुबह शाम। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो है दोनों टाइम हम गैस को जो है साफ कर लेते हैं, शाम को खाना बनाने के बाद और सुबह नाश्ते के बाद। फिर उसके बाद जो है खाना वगैरह हम बनाते हैं दोपहर का। तो पहले जो है इसको सब हम क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा विम साबुन लेते हैं बर्तन धोने वाला और उसी काठी से जो है ये देखिए रगड़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, तेल वगैरह जो इस पर छिपे उठे पड़ जाते हैं छोंक के, तो वो क्लीन हो जाते हैं। तो ये देखिए, तो ऐसे ही जो है हम सब क्लीन कर लेते हैं। तो ऐसे सब पूरा टोटल क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको जो है हम पोंछ लेते हैं, साफ कर लेते हैं। मेरे पास उतनी जगह नहीं किचन में है कि मैं जो है गैस चूल्हे को नीचे उतार के साफ करके दिखाऊं आपको। तो मैं ऐसे किचन टॉप पे ही साफ करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। कभी भी ऐसे उतारने से तो ये सही रहता है कि चलो भाई हो जाता है साफ क्लीन, अच्छे से साफ करो। इसी पर तो नीचे उतारने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहती है, बहुत सारा गंदा नहीं होता कि जो एक आध हफ्ते में साफ़ करते हैं तो इसलिए बहुत गंदा है। ये तो मेरा दोनों टाइम क्लीन होता है, तो मेरे गैस चूल्हा जो है बिल्कुल चमकने लगता है और मुझे अच्छा भी लगता है सफाई करते हुए। सफाई की तो मैं बिल्कुल जो है फैन हूँ, सफाई तो मुझे इतना पसंद है कि पूरा दिन जो है सफाई, साफ सफाई के चक्कर में मेरा चला जाता है। कोई काम दूसरा नहीं जल्दी हो पाता है, बस घर साफ़ करना, बच्चों की सफाई, खुद की सफाई, किचन की सफाई, बेडशीट, सब पूरा टोटल इसी में मेरा पूरा टाइम बीत जाता है। तो ये जो डब्बे डब्बे रखे रहते हैं इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं, इसलिए कि जो है तेल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है रोटियां बनाओ तो उसके भी जो है सब उड़ते रहते हैं, हाथ से छूते रहो। रोटी बनाते हो तो नमक की कहीं ज़रूरत पड़ गई सब्जी में डालने की, तो वो भी हाथ में आटे जो लगे रहते हैं लग जाते हैं डब्बों में, मसालों के डब्बों में भी लग जाते हैं। घी वगैरह का डब्बा है उसमें तो लगते ही रहते हैं, पराठा वगैरह बनता रहता है। तो इसीलिए जो है हम पूरी रोज साफ करते हैं। तो ऐसे ही यही मेरी सफाई और यही मेरा सफाई का और पूरा रूटीन का ब्लॉग, ये देखिए, ये भी मैं साफ कर लेती हूँ। इसमें मैं चीले वगैरह रखती हूँ, तो सब जो है इतने सा जगह है, नीचे तो जगह उतना है नहीं, बड़े बड़े डब्बे वगैरह लगाए रहती हूँ, लहसुन प्याज ये सब रखती हूँ और चावल दाल के भी डब्बे रहते हैं। तो इस पे तो यही छोटे छोटे काउंटर पे डब्बे को लगा देती हूँ। तो चलिए ये मेरा जो है सब हो गया है, मैं इधर बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए जिससे मैं जो है गैस चूल्हे साफ करती हूँ उसको जो है उस कपड़े को मैं क्लीन कर लेती हूँ पहले, ये देखिए। इसको भी क्लीन करके मैं जो है यहाँ फैला देती हूँ और जो है इसको भी मैं क्लीन करके
जो है यहाँ फैला देती हूँ। अब चलिए जो है मैं अपने बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ। मैं सारे बर्तन को पहले इससे जो है जो लगे रहते हैं टाइट हो जाते हैं साफ होते इससे क्लीन कर लेती हूँ। फिर जो है तो किचन जो है थोड़ा छोटा है मैनेज नहीं हो पाता ज्यादा चीजें, तो फिर मैं मतलब कैसा भी करके जो है मैनेज कर रही हूँ। किसी दिन मेरा भी घर यहाँ बन जाएगा इंशाल्लाह, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए मेरे लिए भी कि अल्लाह पाक मेरा भी सर के ऊपर छत दे दे। अभी तो मैं रेंट में यहाँ रहती हूँ, तो रेंट वाले अपने हिसाब से बनाएंगे ना कि मेरे हिसाब से। तो बस यही आप लोगों से दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक से दुआ कीजिए और मेरा भी एक सपनों का घर हो जाए, किसी की दुआ भी कबूल कर ले, आमीन। तो ये देखिए के बर्तन जो है कैसे हम क्लीन करते हैं, एक एक करके रगड़ रगड़ के इसको धोते हैं कि ताकि जो है इस पे तेल वगैरह जो जमे रहते हैं साफ हो जाए, नहीं तो फिर जब गैस का जो है इस पे लगता है तो वो जल जाता है। तो मैंने सुबह जो है नाश्ते के बर्तन वगैरह जो था थोड़ा धो लिया था, तो ये थोड़े ही बचे थे तो उसकी वीडियो तो नहीं हम डाल पाए। कोशिश करेंगे कि सुबह का भी वीडियो आप लोग को दिखाएं, मॉर्निंग का आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आजकल फटाफट से काम जो है करना पड़ता है, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, पेपर हो गए हैं, तो बच्चे तो घर ही पे रहते हैं तो फंस जाओ ही के चक्कर में इधर उधर, तो थोड़ा लेट हो जाता है काम करने में। ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसको भी मैं साफ कर देती हूँ। लगे हाथ सब काम हो जाते हैं। अभी बेसिंग को जो है रात में धोया था तो वैसे तो क्लीन है, थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। तो चलिए जो है मैं अपने गैस के जो है सारे बर्तन लगा देती हूँ गैस पे। फिर गैस के जो है सारे वो है प्लेट है, और ये भी प्लेट है, तो सबको जो है हम लगा देते हैं। ये देखिए तो कल भी जो है हम सफाई करेंगे घर के रूमों की, सफाई करेंगे जाला वगैरह झाड़ेंगे, तो उसकी वीडियो जो है कल हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए मेरा किचन टॉप और ये सब चीज़ें जो है क्लीन हो गई हैं, ये देखिए। तो चलिए अब अपने वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर हमारी वीडियो पे अभी तक आप नए हैं, नहीं देखा है नए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना कि हमारी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अल्लाह।